मोहब्बत एक पेचीदा जज्बा है, इसे समझना इतना आसान नहीं, और न ही मोहब्बत का होना और मोहब्बत को कायम रखना आसान है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम समझते हैं कि हमें मोहब्बत हो गई है और बस, इसके बाद हम कुछ नहीं समझते, जबकि मोहब्बत को हमें समझना चाहिए। मैं हूं लियाकत जोगी, सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। तबीब यूं कोशिश न कर, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की, तो पहले इश्क कर फिर ठोकर खा फिर दवा कर मेरे मर्ज की। जी जनाब, इश्क एक मर्ज है, मोहब्बत एक मर्ज है, लेकिन इसकी कितनी किस्में हैं इसका अंदाजा आपको नहीं, मुझे है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया है और यूनानियों ने इस पर बहुत काम किया है। मोहब्बत की कुल 8 किस्में होती हैं और हर किस्म की अलग अलग शक्ल, अलग अलग नाम होता है। जी जनाब, मोहब्बत की कुल 8 किस्में होती हैं। पहली किस्म का नाम है ईरोस। ईरोस असल में यूनानी मोहब्बत का देवता है और उसी के नाम पे उन्होंने पहली मोहब्बत का नाम रखा है। ये हकीकी मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत दिल से महसूस होती है, लेकिन इस मोहब्बत को जिस्मानी और रूहानी दोनों ताल्लुक चाहिए होते हैं और ये बहुत आगे तक जाती है और आगे तक आपको अपना एहसास दिलाती है। ये मोहब्बत एहसास दिलाने में नंबर 1 है, जैसे वैसे भी नंबर 1 है और एहसास दिलाने में भी नंबर 1 है। इस मोहब्बत में अंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक होती है कि आप कभी कभी एक जैसा बहुत दफा सोचते हो, आपके जहन में जो खाक का कोई ख्याल आता है तो वही ख्याल उसी वक्त आपके महबूब के ध्यान में भी आता है। इस मोहब्बत की एक और बात अच्छी है कि ये एहसास दिलाता है और ये याद करता है और ये आपको बताता है कि वो आपसे मोहब्बत करता है, और ये बताने में उसे कोई शर्म महसूस नहीं होती। वो 10 दफा भी बताएगा तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये बार बार एहसास दिलाता है कि वो आपसे मोहब्बत करता है। इस मोहब्बत में बहुत अजीब सी बात होती है कि ये आपको जानने की कोशिश नहीं करता, बस सिर्फ एक ही बात होती है कि वो आपसे मोहब्बत करता है और वो आपके जिस्मानी और रूहानी मोहब्बत में बहता चला जाता है। मोहब्बत की दूसरी किस्म का नाम है स्टोरेज। ये स्टोरेज नहीं, स्टोर्ज कर ले इसको, स्टोर्ज। मैं ये जितने भी नाम लूंगा ये सारे नाम यूनानी हैं, इंग्लिश नहीं है, तो इसके तलफ्फुज़ में या बोलने में कोई भी गलती हो सकती है। दूसरी मोहब्बत का नाम है स्टोर्ज। कोई भी रिश्ता मोहब्बत के जरिए कायम नहीं हो सकता, जबकि हम ये समझते हैं कि हर रिश्ता मोहब्बत से ही कायम होता है। मोहब्बत एक जज्बे का नाम है और जज्बे कभी जामिद नहीं रहते, एक जैसे नहीं रहते। आप जिस भी शख्स से मोहब्बत कर रहे हैं, कल वो मोहब्बत बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, और स्टोर्ज में मोहब्बत जामिद नहीं होती, मोहब्बत कम ज्यादा हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब नमा। मेरे पास कई कपल्स, कई जोड़े ऐसे आते हैं जो कि एक दूसरे से शदीद मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे बाद या शादी के बाद वो मोहब्बत नहीं रहती बल्कि नफरत में बदल जाती है। पहले जिससे वो बहुत मोहब्बत करते थे, अब उससे बहुत नफरत करते हैं। ये स्टोर्ज होते हैं, ये सिर्फ एक जज्बे के तहत बाहर निकलते हैं जो कि बहुत आर्जी होता है। जिंदगी में मोहब्बत करने के साथ उसमें यकजहती, एहतराम और एतमाद का होना जरूरी है। स्टोर्ज में ये कभी कभी नहीं होता। मोहब्बत करना बहुत आसान है, यकजहती, एहतराम और एतमाद पैदा करना मुश्किल काम है, और ये काम कभी कभी हम सिर्फ अपनी फैमिली में देखते हैं। अगर फैमिली जैसी मोहब्बत हो जाए तो उससे बढ़कर कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मोहब्बत सदियों चलती है। मोहब्बत की तीसरी किस्म है अगेप। ये एक आलमगीर मोहब्बत होती है, ये बहुत पायदार मोहब्बत होती है, ये लाजवाल मोहब्बत होती है, ये बेलौस मोहब्बत होती है। ये मोहब्बत बिल्कुल ऐसे होती है जैसे हम कभी कभी अपने मजहब से करते हैं। ये मोहब्बत कभी कभी या ज्यादातर
ऐसे होती है कि ये लोग वेलफेयर का काम करते हैं या एनजीओस का काम करते हैं और बगैर किसी मतलब के करते हैं। आपकी तवज्जा, आपकी मोहब्बत इनफरादी नहीं रहती, बल्कि आपकी मोहब्बत या आपकी तवज्जा इज्तमाई होती है। आप दूसरों के लिए सोचते हैं, ये आला मकासद के लिए होती है और ये मोहब्बत किसी किस्म का बदला नहीं चाहती। इस मोहब्बत को ये महसूस नहीं होता कि आपको किसी ने सालगिरह के लिए विश किया है कि नहीं और आपको नाराज होना है कि नहीं। ये बेलौस होते हैं और बेलौस तरीके से जिंदगी को आगे बढ़ाते रहते हैं। ये लोग मोहब्बत और खिदमत को सिर्फ देना समझते हैं। वो कहते हैं ना, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, ये उसको निभा के छोड़ते हैं और इसी तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। ऐसी मोहब्बत की मैं आपको दो मिसालें दूं, मदर ट्रीसा और मोहतरम जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब। चौथे नंबर पे जो मोहब्बत आती है उसका नाम है लुदास। ये एक चंचल मोहब्बत होती है। ये मोहब्बत आमतौर पे नौजवान जोड़ों में पाई जाती है। ये बहुत आर्जी होती है, ये बहुत हल्की होती है, ये बिल्कुल भी पायदार नहीं होती। ये लोग जब मोहब्बत करते हैं तो उसमें सिर्फ अच्छाइयां नजर आती हैं और जब नफरत करते हैं तो उनको उनकी कोई अच्छाई नजर नहीं आती। मोहब्बत हो जाती है तो मिलने के बहाने ढूंढते हैं और अगर नफरत हो जाती है तो छोड़ने के बहाने ढूंढते हैं। इब्तिदा में ये हर लम्हे को, हर इवेंट को खूब इंजॉय करते हैं और जब मोहब्बत टूट जाती है तो उस हर लम्हे और हर इवेंट को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताते हैं। ये लोग बुनियादी तौर पे फ्लर्टी होते हैं, फ्लर्ट करते हैं और इतना झूठ बोलते हैं, वो चीज़ें जो उसके महबूब में नहीं भी होती ये उनसे उनका इजहार करते हैं और ये दोनों करते हैं, ये नहीं एक नहीं दोनों करते हैं। ये असल में मोहब्बत होती भी नहीं है, ये एक गलत फहमी होती है कि मुझे मोहब्बत हो गई है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन कम निकले। पांचवें किस्म की मोहब्बत है मानिया। ये एक जनूनी मोहब्बत होती है। ये पता नहीं मोहब्बत होती भी है कि नहीं होती, लेकिन अगर यूनानी कहते हैं तो ये वाकई मोहब्बत की पांचवी किस्म हो सकती है। इसमें बहुत फियर होता है, बहुत खौफ होता है, अपने महबूब को छोड़ जाने का डर और खौफ। बाज़ाहिर ये अच्छा लगता है, कैसे कितना डर है मुझे छोड़ने का, लेकिन ये डर और खौफ बाद में बहुत इरिटेट करता है क्योंकि आप अपने महबूब को बहुत ज़्यादा पाबंद करते हो, आप अपने महबूब की बहुत ज़्यादा निगरानी करते हो और उसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि आपका महबूब आपसे नाराज़ हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, आपको छोड़ देता है। ये एक इन्हिसार करने वाला आशिक होता है और बहुत ज़्यादा जनूनी मोहब्बत करने वाला, और इसके साथ निभा करना कोई आसान काम नहीं है। जनून इश्क की ये फितना सामानी नहीं जाती, नहीं जाती तो हमारी पाक दामनी नहीं जाती। मोहब्बत की छठी किस्म है फिलोटिया। जी हाँ, एक बहुत आम सा लफ्ज़ है कि अपना ख्याल रखना। ये लफ्ज़ सब लोग एक दूसरे को बोलते हैं और इस मोहब्बत का मकसद भी ये है कि खुद से मोहब्बत करना। ये बज़ाहिर बहुत अच्छी लगती है कि अपना ख्याल रखो, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती भी नहीं है। लेकिन यूनानी बताते हैं कि ये मोहब्बत इंतहाई ज़रूरी है, खुद से मोहब्बत करना, क्योंकि अगर आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो फिर दूसरों से मोहब्बत कर सकते हैं, अपने प्यार से मोहब्बत कर सकते हैं, अपनी फैमिली से मोहब्बत कर सकते हैं, अपने वतन से, अपने मज़हब से, अपने इलाके से। अपना ख्याल रखने में आपकी सेहत, आपकी तालीम, आपकी तरबियत, आपका टाइम, आपकी औलाद, आपके वालदेन, आपके दोस्त, आपका काम, आपका फन, ये सब आते हैं। जब आप खुद से मोहब्बत करते हो तो इनसे भी मोहब्बत करते हो, इसलिए फिलोटिया मोहब्बत अपनी जगह एक अच्छी मोहब्बत है। खुद से मोहब्बत करना
यह कोई खुदगर्जी नहीं है। खुद से मोहब्बत करने का मकसद है अपनों से मोहब्बत करना। खुद से मोहब्बत से भागे नहीं, खुद को कबूल करें जैसे आप हैं। आप अपने आप को बदलने की कोशिश मत करें। खुद के एहसास मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा, खुद के एहसास मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा। मेरे कुछ नए ख्यालात ने मुझे ताबिंदा रखा। मोहब्बत की सातवीं किस्म है प्राग्मा। बहुत ही हसीन किस्म है, बहुत ही खूबसूरत मोहब्बत। ये मोहब्बत हम अगर हमने देखी तो बुजुर्गों में देखी, अपने वालदेन में देखी। इस मोहब्बत में लोग जितना भी दूर चले जाएं, उनकी मोहब्बत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसे होते हैं। ये मोहब्बत दिल से मोहब्बत होती है, इनकी केमिस्ट्री बहुत मिलती है और समटाइम्स इनके ख्यालात बहुत मिलते हैं। ये भी पहली मोहब्बत इरोज की तरह एक दूसरे के लिए उसी वक्त वही ख्याल जहन में रख सकते हैं, यानी जो आपने सोचा वैसा का वैसा ही उसने भी सोचा। इनकी टेलीपैथी बहुत कमाल होती है, ये एक दूसरे को टेलीपैथी के जरिए मैसेज दे देते हैं और वो वसूल भी कर लेते हैं। बहुत आलिशान मोहब्बत। इस मोहब्बत की एक और मिसाल बताऊं कि इन लोगों की शक्लें भी एक जैसी हो जाती हैं, और ऐसे बूढ़े कपल्स हमने देखे हैं कि जिनकी शक्लें एक जैसी हो जाती हैं मोहब्बत में, प्यार में, साथ गुजारने में। और इसमें सबसे ज़्यादा फर्क पता है कब पड़ता है? जब आप एक प्लेट में खाते हैं तो आपकी शक्लें मिलने लग जाती हैं, और ऐसा हमने बहुत देखा है। ये एक ऐसा बंधन होता है जो कभी नहीं टूटता, और अगर हादसे के तौर पे ये लोग अलग हो भी जाएं तो एक दूसरे के दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मोहब्बत की आखिरी और आठवीं किस्म है फालिया। ये भी बहुत प्यारी मोहब्बत है, बहुत अच्छी मोहब्बत है। इस मोहब्बत की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि इसमें जिंस, मजहब, उम्र, इसकी कोई कैद नहीं होती। आपको कभी भी किसी के साथ हो सकती है, और ये मोहब्बत आमतौर पे दोस्तों में पाई जाती है। एक ही केमिस्ट्री में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ये लोग एक जैसे ही रहते हैं। अगर 70-80 साल की उम्र में भी इनकी मुलाकात हो जाए ना, तो लगता है ऐसा है कि कोई बहुत ही यंग जोड़ा आपस में मुलाकात कर रहा है। और हाँ, इनमें रोमांस भी जरूरी नहीं, रोमांस होता भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें रोमांस का अमलो दखल हो। इसमें सिर्फ मोहब्बत का अमलो दखल होता है। यह ऐसी मोहब्बत होती है जो वक्त की हर सख्ती को आराम से, सुकून से झेल लेती है। ये लोग एक दूसरे से अपने बातिन से मोहब्बत करते हैं, इनमें अदम तहफ़ बिल्कुल नहीं होता। बाकी अदम तहफ़ मोहब्बत की दूसरी किस्मों में मौजूद होता है, खौफ होता है, फियर होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं होता। इनको बिल्कुल डर नहीं होता कि कोई चला जाएगा, कोई छोड़ जाएगा। और कभी कभी वक्त और हालात के तहत ये लोग अलग हो भी जाते हैं, नाराज हो भी जाते हैं, तो जब भी उनको मौका मिलता है ये एक हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, और पता भी नहीं चलता कि इनके दरमियान कोई गैप आया था, कोई फासला आया था, या तो कोई नाराजगी चल रही थी। इनका कुर्बत और सुकून किसी भी चीज से बालातर होता है, चाहे वो पैसा हो, या दूसरे रिश्ते हों, या फिर कोई और भी चीज हो सकती है। ये बालातर होकर एक दूसरे से कुर्बत करते हैं और सुकून हासिल करते हैं। शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, मुझे कबूल कीजिए मेरी हर कमी के साथ।